Today, we are going to discuss on the topic anger management. ये anger management आज के youth के बीच एक burning problem है. आज का youth गुस्से में उबल रहा है. क्या reasons हैं? इस पर पहले हम बात करते हैं. ये एंगर या गुस्सा यूथ के आदत में आ गया है, हैबिट में, उसकी प्रैक्टिस में आ गया है. वो अपना गुस्सा अपने पेरेंट्स के साथ निकालता है, अपने टीचर से निकालता है, और अपने सराउंडिंग में उसके जो भी लोग हैं वो इस उसके एंगर से, उसके गुस्से से पीड़ित है. आप जब किसी चीज पर ओवर रिएक्शन करते हो, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हो, वो भी गुस्सा ही है. जब आपको कोई चीज मना की जाती है, आप दिन भर अपने मोबाइल में बिजी हो और जो व्यक्ति भी आपको इस बात के लिए मना करता है, आप गुस्सा होते हो. आपको कोई चीज टोकी जाती है, समझाई जाती है कि दिन भर पबजी ना खेलिए, आप गुस्सा होते. आपके मार्क्स आपके अनुरूप नहीं आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर लेवल यू गॉट एंगर्ड, वो गुस्सा आता है. इग्नोरेंस है, कोई आपको इग्नोर करता है, आपको गुस्सा आता है. जब आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपका काउंटर पार्ट, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड, आपको रिजेक्शन करता है, आपका ब्रेकअप होता है, आप गुस्से से भर जाते हैं. किसी बात पर डिससेटिस्फेक्शन होना, आपके मन मुताबिक काम ना हो, चाहे घर में आपकी मां ने आपके हिसाब से आपकी रुचि का खाना ना बनाया हो, आपको डिससेटिस्फेक्शन होता है, आप गुस्सा होते हो. कोई बात आपकी ना मानी जाए, आपने कहा कि आज हम लोग बाहर डिनर करने चलते हैं और जो सर्कमस्टांसेस बने उसमें आप लोग बाहर नहीं जा पाए, आप गुस्सा होते हो और इतना गुस्सा होते हो कि शायद उस दिन घर पर भी खाना ना खाइए. लॉस किसका हुआ? जरा सोचिए, जरा विचारिए. इस पूरे गुस्से की प्रक्रिया में आप अपना लॉस करते हो. एक मिनट का गुस्सा आपकी 100 अच्छाइयों पर भारी है, कभी इसको सोच के देखिए. और जो गुस्सा आपके अंदर पैदा हुआ, जो गुस्सा आपके अंदर आया, वो कहां निकलता है? वो निकलता है अपने से किसी कमजोर पर, अपने छोटे भाई बहन पर, या जिस पर भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ये सारा का सारा गुस्सा उसके ऊपर ट्रांसफर कर देते. लेकिन पूरे गुस्से के अंदर एक अच्छी बात छिपी है कि गुस्सा आना भी अच्छा, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. एक लिमिट के अंदर अगर आपको गुस्सा आता है तो वो अच्छा है. सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा बहुत आता है, इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है, किसी का गुस्सा किसी पे उतर जाता है. एंगर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें? गुस्सा आना, मैंने बताया, एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है. लेकिन एक लिमिट से ज्यादा जब गुस्सा आता है, मेरे ख्याल से आपको इतना ही आता है, तो आप तोड़फोड़ मचाते होंगे घर पे. आप सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी चीज का करते हो तो वो अपना करते हो. इट विल डिस्ट्रॉय योर फिजिकल हेल्थ. आप तुरंत ही हाई बीपी के शिकार हो जाओगे, तमाम प्रकार की दिक्कतें आपके दिमाग में चलने, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी. सबसे बड़ी बात, आपके रिश्ते, आपके जानने वालों से, आपके घर वालों से, आपके फ्रेंड सर्किल में खराब होंगे. लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे कि कीप अवे
फ्रॉम दिस गर्ल। क्यों? बहुत गुस्सैल है, इसको अवॉइड करिए। इसको कंट्रोल करने के लिए पहली स्थिति क्या है कि जहां पर आपको गुस्सा आ रहा है, जिस कारण आ रहा है, जिसकी बात से आ रहा है, उस सिचुएशन को चेंज कर लीजिए, वहां से हट जाइए। कहा जाता है एक गिलास ठंडा पानी आपके गुस्से को 100 से 0 पर ले आता है। एक गिलास पानी पीजिए, अपनी सीट पर बैठकर, अपने घर में बैठकर, या अगर वर्क प्लेस में हैं, अपने बॉस से गुस्सा है तो अपनी सीट पर आकर अपने दिमाग को शांत करके डीप ब्रीदिंग करिए। आप देखिएगा यू, इससे कंट्रोल होगा। अपने दिमाग को डाइवर्ट करिए उन पोजीशन से, उन कंडीशन से जो आपको गुस्सा पैदा करती है, जिसको देख के आपको गुस्सा आता है, उन चीज़ों को अवॉइड करिए। अवॉइड करना दुनिया में स्वस्थ रहने का और सुखी रहने का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आप चीज़ों को अवॉइडेंस सीख गए, लोगों को अवॉइड करने लगे, नेगेटिव लोगों को जो आपको परेशान करें, जो आपका मेंटल हैरेसमेंट करें, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस गुस्से को, इस एंगर को वी हैव टू चैनलाइज, हमें इसको चैनलाइज करना है और इसको एक अच्छी दिशा में ले जाना है। ये दिशा क्या होगी? एक गुस्सा आपके अंदर एक एकदम से पैदा की हुई एनर्जी है। वो एनर्जी है जो आप इस एनर्जी का यूज कहीं भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी आप जानते होंगे, उस न्यूक्लियर एनर्जी से चाहे तो आप बम बना लीजिए, चाहे तो उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाइए। इस तरीके से इस आपके अंदर जो एक एनर्जी पैदा हुई है, इसको आप यूज पॉजिटिव डायरेक्शन में करिए। और सोलर एनर्जी का एग्जाम्पल लीजिए, सूर्य है, सन है, हमको दिन भर गर्मी देता है, लेकिन अगर आपने अपने घर पे सोलर पैनल लगा लिया है तो आप उसी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो, उससे घर के अपने पंखे बिजली का यूज कर सकते हो। इस तरह से सोलर एनर्जी की तरह से इसका यूज करिए अपने गुस्से का, और इसका प्रयोग एनर्जी का अपने रिजल्ट को बढ़िया करने में करिए, अपनी रैंकिंग इंप्रूव करिए। क्योंकि जिन्होंने आपकी आलोचना की, जिनके कारण आपको गुस्सा आया, क्रिटिसाइज किया होगा कई लोगों ने आपको, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्किल हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनको सही जवाब आपका रिजल्ट देगा। और हमेशा ध्यान रखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।